नमस्कार, फटाफट खबरों से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मैं हूं बरखा शर्मा। दीपिका पादुकोण आज दोपहर 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंचेंगे। ड्रग्स मामले में कल दीपिका से एनसीबी पूछताछ करेगी। क्वान कंपनी की टीम मेंबर के साथ दीपिका गोवा में है। गोवा में दीपिका फिल्म की शूटिंग कर रही थी। रकुल प्रीत को एनसीबी का समन मिला, कल पूछताछ में शामिल होने की बात कही। इससे पहले रकुल प्रीत ने बयान जारी कर कहा था कि उन्हें अब तक कोई समन नहीं मिला है, ना ही हैदराबाद में ना ही मुंबई में। रकुल प्रीत के बयान पर एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने दिया जवाब, कहा रकुल प्रीत बहाना बना रही हैं। केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि रकुल प्रीत से कई बार संपर्क साधने की कोशिश हुई, रकुल प्रीत ने कोई जवाब ही नहीं दिया। एनसीबी ने सारा और श्रद्धा को भी 26 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ड्रग्स चार्ट में नाम आने के बाद दोनों को समन जारी किया गया। एनसीबी दफ्तर में सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी से पूछताछ जारी। बॉलीवुड पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी के रडार पर 50 से ज्यादा फिल्मी कलाकार, कई फिल्मी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स भी एनसीबी के रडार पर। ड्रग्स मामले में 2 FIR के तहत एनसीबी कार्रवाई करेगी। पहली FIR में दीपिका, रकुल, सिमोन का नाम शामिल, दूसरी FIR में सारा और श्रद्धा का नाम है। ड्रग्स मामले में ड्रग्स पेडलर करमजीत ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक करमजीत ने 150 सेलेब्स की लिस्ट बनाई थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में करमजीत ने बताया कि वो सभी 150 सेलेब्स को ड्रग्स सप्लाई करता था। ड्रग्स मामले में एनसीबी एक्शन में है। मुंबई के कई जगहों पर एनसीबी ने छापेमारी की। 2 टीवी एक्टर्स से पूछताछ के बाद एनसीबी ने छापेमारी की। ड्रग्स मामले में कई टीवी एक्टर्स पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। रिया और शौविक की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज ही सुनवाई होगी। जस्टिस सारंग की बेंच सुनवाई करेगी। रिया और शौविक की जमानत याचिका पर कल भारी बारिश की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। कंगना रनौत ने एक बार फिर ट्वीट कर बॉलीवुड पर निशाना साधा और कहा कि बॉलीवुड माफिया सोच रहे होंगे कि काश सुशांत की हत्या न होती और कंगना को इस तरह मजबूर नहीं किया होता। कंगना ने कहा कि आखिरकार उन्हें अपनी क्रूरता और चुप्पी पर पछतावा हो रहा है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे अनुराग कश्यप के खिलाफ पायल घोष ने एक और मोर्चा खोल दिया है। पायल ने अनुराग पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। पायल घोष के वकील नितिन सतपुते ने एनसीबी ऑफिस पहुंचकर अनुराग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अनुराग पर गांजा लेने का आरोप लगाया। चीन से तनातनी के बीच सरहद पर सेना की मूवमेंट के लिए 43 पुल बनकर तैयार हो गए हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी पुलों और एक सुरंग का उद्घाटन करेंगे। सभी ब्रिज बीआरओ ने तैयार किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन पुलों का उद्घाटन करेंगे। एलएसी पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना ने बॉर्डर इलाकों में अपनी मुस्तैदी बढ़ाई। लद्दाख में लगातार राफेल लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा मिराज, मिग जैसे लड़ाकू विमानों को पहले ही चीन पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के पास चुमार के हेनली इलाके में वायुसेना बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटी है। सर्दियों के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक आईएसआई कश्मीर में तनाव पैदा करवाना चाहता है। आईएसआई सोशल मीडिया के जरिए फर्जी अकाउंट बना रहा है। अकाउंट की मदद से आईएसआई झूठी खबरें फैलाकर कश्मीर में साजिश करना चाहता है। कश्मीर साइबर पुलिस के रडार पर 500 से ज्यादा फर्जी प्रोफाइल्स हैं। कई अकाउंट्स को पुलिस बंद भी कर चुकी है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है। पूर्वी हिंद महासागर में 2 दिनों के युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस करमुख हिस्सा ले रही है। इससे पहले भारतीय नौसेना अमेरिका और जापान के साथ युद्धाभ्यास कर चुकी है। चीन पर नजर रखने के लिए भारत ने भी तैयारियां पुख्ता कर दी हैं। भारत ने अमेरिका से 30 MQ-9 रिपर ड्रोन्स खरीदने की डील की है।
कृषि विधेयक के खिलाफ कांग्रेस बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। आज देशभर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगे। आईपीएल के छठे मैच में आज पंजाब और बेंगलुरु के बीच होगी टक्कर। बेंगलुरु अपना पहला मैच जीत चुकी है, जबकि पंजाब जीत के साथ आईपीएल का आगाज करना चाहेगा। आईपीएल के 13वें सीजन में मुंबई इंडियंस ने अपनी पहली जीत दर्ज की। टूर्नामेंट के 5वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 196 रनों का टारगेट दिया। जवाब में कोलकाता 9 विकेट गंवाकर 146 रन ही बना सकी। मैच में 80 रन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। रोहित ने आईपीएल में अपना 37वां अर्धशतक लगाया। मैच में मुंबई के गेंदबाजों का बोलबाला रहा। मुंबई की ओर से बुमराह, बोल्ट और जेम्स पैटिनसन को 2-2 विकेट मिले। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर ने पावर प्ले में 33 रन ही बनाए। इस बीच उन्हें 2 विकेट भी उन्होंने गंवा दिए। राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा कि किसानों के बाद मजदूरों पर वार। राहुल गांधी ने कृषि बिल और श्रमिक बिल पर सरकार को घेरा। लिखा, गरीबों का शोषण मित्रों का पोषण, यही है बस मोदी जी का शासन। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुरेश अंगड़ी के निधन के बाद देश में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया और कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी सुरेश अंगड़ी के निधन पर दुख जताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के बालाजी दर्शन को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया। कोरोना काल में सीएम ने नियमों का पालन नहीं किया, ये तमाम आरोप लगाए गए। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 97,856 नए मरीज आए सामने। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल संख्या 90,000 के पार पहुंची। भारत में अब तक कोरोना के कुल 57,30,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,714 नए मरीज सामने आए हैं। 36 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 12,63,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 21,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने।